Hello, kids. Let's read the question. The question says: Given below is an equation describing the growth pattern of a population. The equation is dN by dt, which is equals to rN. According to you, will the resource availability be limited or unlimited for this type of growth in a given population? So, make इक्वेशन दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये किस टाइप के ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करता है और क्या इस ग्रोथ कर्व में देर विल बी अवेलेबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड फॉर द पर्टिकुलर रिसोर्सेस सो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दो तरह के हो सकते हैं एक होता है एक्सपोनेशियल ग्रोथ कर्व एक्सपोनेशियल ग्रोथ कर्व में हम ये कंसिडर करते हैं कि अंडर आइडियल कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस क्या होंगी आइडियल कंडीशंस जहाँ पे जो फूड है वो भी अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो या फिर जो वाटर है अनलिमिटेड अमाउंट में हो जो एरिया है वो भी अनलिमिटेड अमाउंट में हो सो फूड शेल्टर वाटर एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ स्पीशीज फॉर सर्वाइवल इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इसी को हम कहते हैं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट होंगे इस कंडीशन में आइडियल कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में जो ग्राफ uh, बनेगा वो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब जो स्पीशीज़ है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी तो जो इक्वेशन है जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है दैट इज डी एन बाय डी टी विच इज इक्वल्स टू आर एन आर एन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एन यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड टी इज रिप्रेजेंटिंग दी टाइम रेप्रजेंट कर रहा है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो रिसोर्स अनलिमिटेड हैं एंड वाई रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज गोइंग टू बी लाइक दिस इस तरीके का जो कर्फ बनता है वो जे शेप का बनता है वहीं पर अगर हम दूसरे टाइप के कर्फ की बात करें तो उसे कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस uh, होती हैं बेसिकली रियलिस्टिक मतलब जैसे रियल में अनलिमिटेड सोर्सेस uh, नहीं होते द सोर्सेज आर लिमिटेड सोर्सेस लिमिटेड होते हैं प्रीडेटर्स भी अवेलेबल होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में सो so यहाँ पे रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड बट लिमिटेड लिमिटेड होते हैं एंड द ग्रोथ कर्व दैट इज प्रेजेंटेड ओवर हेयर जो ग्रोथ कर्व यहाँ पे बनता है दैट इज ऑफ एस शेप्ड एस शेप का बनता है इसे सिग्मोइड कर्व भी कहा जाता है ना इन सिगमोइड वट इज द इक्वेशन दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन इज डी एन बाई डी टी विच इज अगेन n represents the uh, population density t represents the time small r and capital n small r is representing the rate of change of population density and it is going to be multiplied with carrying capacity of that area so k minus n divided by k is the carrying capacity of that particular geographical location

तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस हो जाएंगे वो अनलिमिटेड हो जाएंगे सो द फाइनल आंसर विल बी द ग्रोथ इन द गिवन पॉपुलेशन विल बी ऑफ हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ लक